बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में मटन का सालन बनाने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। मटन का सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो के करीब मटन लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने। एक चम्मच हरी चटनी है, इसमें पुदीना, धनिया और हरी मिर्च है। जीरा लिया है मैंने आधे से आधा चम्मच, जीरा, काली मिर्च और नमक है आधा चम्मच। मैंने गरम मसाला लिया है एक चम्मच, जो है नमक लिया है आधा चम्मच, हल्दी है और एक चम्मच जो है ये सुरख मिर्च है। आधा प्याली मैंने दही लिया है इसमें। टमाटर एक अदद दिया है, पाँच से छः अदद सब्ज मिर्चें ली हैं। धनिया गार्निश के लिए लिया है, एक चम्मच अदरक का पेस्ट है और दो चम्मच लहसुन का पेस्ट है। दो अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले इसमें गोश्त शामिल करूँगी और प्याज, नमक, काली मिर्च और जीरे के साथ इसको मैंने थोड़े पानी के साथ उबाल लेना है। एक गिलास पानी डालूंगी। इतने ही पानी में इसको वेट करवाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको मैं धीमी आंच पे जो है वेट करवाऊंगी, तेज आंच पे पानी खुश्क हो जाएगा, इसलिए हल्की आंच पे इसको वेट करवाऊंगी। और देख सकते हैं गोश्त को 10 मिनट तक वेट करवा लिया है, गोश्त गल चुका है हमारा। अब मैं इसका मसाला जो है वो तैयार कर लूँगी। सबसे पहले इसमें घी शामिल करूँगी। फिर मैंने इसमें घी शामिल किया है, आधी प्याली घी लिया है मैंने, और इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी दो चम्मच। इसके बाद अदरक का पेस्ट लूंगी एक चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट हल्के से फ्राई हो जाए तो इसमें वो शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें गोश्त जो है शामिल कर दूंगी। गोश्त को 10 मिनट के लिए जो है इसे अच्छे से भून लूंगी।
10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दूसरे जो है मसाला जात वो शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें तुरंत मिर्च, हल्दी, नमक और गर्म मसाला जो है ये सभी इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा भून लेंगे इसे मसालों को। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो है ये शामिल करूँगी। दही मैंने आधा प्याली ली है, इसमें मैं पुदीने और धनिए की चटनी जो है वो शामिल कर दूँगी। दही और पुदीने की चटनी अब इसमें शामिल करूँगी। दही के साथ गोश्त को जो है अच्छे से भून लेना है। इसी तरह इसमें टमाटर भी जो है अच्छे से गल जाएंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का जो है सालन तैयार हो चुका है हमारा। बस हमें इसे और मज़ीद 10 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से। दस मिनट के लिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं भी इसे इसी तरह डिश आउट करूँगी और मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मटन का सालन मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।